पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा लोगों के बीच संशय रहता है, लेकिन जब से कोरोना वायरस ने देश में दस्तक दी है तब से सवालों के घेरे में रहने वाली पुलिस की कार्य प्रणाली शक्तिमान की तरह हो गई है। शक्तिमान जो कि अपनी शक्तियों की बदौलत लोगों की जान बचाता था, अब पुलिस बगैर शक्तियों के लोगों की जान बचाने का कार्य कर रही है। लॉकडाउन के बीच कभी भूखों को खाना खिलाना तो कभी लोगों को मुर्गा व मेंढक बनाना, ऐसे ही काम कर रही है जलौन की पुलिस। वहीं पुलिस भूखे लोगों व बेजुबान जानवरों को भी खाना खिलाने का काम कर रही है। जलौन में पुलिस की शक्तिमान की तर्ज पर कार्य कर रही है। लॉकडाउन के पालन के लिए कभी डंडे से तो कभी प्यार से कार्य कर रही है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बेवजह निकले लोगों को पुलिस चौराहे पर मुर्गा बनाकर व मेंढक बनाकर सजा दे रही है। साथ ही जिन लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है, ऐसे लोगों को पुलिस अपने लहेजे में डंडे से भी लॉकडाउन का पालन करा रही है। वहीं लॉकडाउन के कारण बेसहारा लोगों व बेजुबान जानवरों के आगे जब खाने का संकट आ खड़ा हुआ तो पुलिस ने लोगों को लंच पैकेट बनाने भी शुरू कर दिए। पुलिस कर्मियों द्वारा रोजाना गरीबों को खाने के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं जब सड़क पर बेजुबान जानवर पुलिस को दिखाई देते हैं तो उन्हें भी पुलिस कर्मी खाना खिलाते हैं। जलौन से पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। इसमें वो खिला रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण है इसमें? मैं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय का पेशकार हूँ। मेरा आज जो दशी का व्रत था, मैं कुछ फल लेकर के यहाँ बैठकर खाने लगा। ये बंदर देखता रहा, देख करके मुझको आ करके मेरे पास आ गया, हाथ से बढ़ाया आगे, मैंने उसको खिलाने लगा और वो खा करके दो तीन केले और संतरा चला गया। बंदर काफ़ी भूखा था, काफ़ी दिन से ऐसा लग रहा था, काफ़ी दिन से भूखा है। और वो आ करके हम लोग 5-6 लोग बैठे हैं यहाँ, श्री विश्राम सिंह साहब चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, तो उनको उनके साथ पूरी टीम है। किसी की परवाह न करके इतने लोगों की, वो स्वयं आया और भूखा था और आकर के खाने की मांग की है उसने। कैसा लगा आपको ये खिला के बंदर को? बहुत अच्छा लगा, मेरी भूख खुद ख़त्म हो गई। ये हुआ कि हनुमान जी कई दिन से भूखे, इनको पहले खिलाओ, और उनको बिस्कुट और केला और संतरा खा करके चले गए।